नरकटिया गंज नगर परिषद चुनाव में महिलाओं का दबदबा रहा। 25 वार्ड में से 14 सीटों पर महिलाओं ने परचम लहराया, जबकि 11 वार्ड में पुरुषों ने जीत हासिल की। वहीं वार्ड पार्षद के चुनाव में मतदाताओं ने अधिकतम पुराने वार्ड पार्षदों पर अपना भरोसा जताया है। 25 वार्ड में मात्र 9 सीटों पर नए पार्षदों को लोगों ने चुना, जबकि 16 सीटों पर पुराने पार्षद ही काबिज हुए। वहीं दूसरी ओर पहली बार हो रहे उपसभापति चुनाव में मतदाताओं ने समाजसेवी संतोष राज की पत्नी पूनम देवी पर दांव आजमाया और पूनम देवी को वोटों के अच्छी अंतर से जीत दिलाई है। पूनम देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अर्चना अग्रवाल को 4,197 मतों के अंतर से पराजित कर उपसभापति पद पर काबिज हुई है। जीतने के बाद पूरे नगर में जगह जगह जुलूस निकला। मंगलवार का दिन जीतने वाले प्रत्याशियों का मंगलवार रहा। जीत के साथ ही नगर के 25 वार्डों में पटाखों की धमक रही। दूसरी बार आप चुनाव में जीत हासिल किए हैं जी, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी फील हो रहा है कि मैं अपने वार्ड में अच्छा काम किए, जिसकी बदौलत जनता मुझे फिर से देखी है। मैं जनता का आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा क्योंकि सुबह आने का मौका दिया और मैं प्रयास करूँगा कि अपने वार्ड में अच्छा से अधिक से अधिक काम करूँ ताकि विकास। आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब एकता बनाकर रखें और शांति से रहें। हम हर काम करेंगे और करने का प्रयास करते रहेंगे। नंबर वन में आप चुनाव जीत कर क्या खुशी महसूस हो रहा है? अधूरे काम को पूरा करने का और जो भी अधूरा काम है उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारे वार्ड में जो पोखरा है उसको मरीन ड्राइव बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे और धर्मशाला गौशाला सबका भी सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करेंगे। सभापति पद पर जीत गई है नरगढ़िया का पहली बार, कैसा फील हो रहा है आपको?